शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ईरानी विदेशी मंत्री डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाही ने बताया कि ईरान और भारत के बीच के व्यापार ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ाने का दोनों देशों ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, हम नई दिल्ली और तेहरान के बीच विशेष रूप से व्यापार और अर्थव्यवस्था में अपने आगे एक बहुत ही उज्ज्वल और आशाजनक भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने कहा, दोनों देशों के नेतृत्व व्यापार की मात्रा को अपने ऐतिहासिक स्तर पर ले जाने के लिए ये दृढ़ है। वहीं भारतीय महिला उद्यमियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जब व्यापार की बात आती है तो महिलाएं अधिक सफल होती हैं, और इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ईरान में व्यापार में भारत की तरह वे महिलाएं समान रूप से सक्रिय हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष ईएम जयशंकर के साथ बैठक की। ईरानी विदेश मंत्री ने जयशंकर के साथ भी व्यापार, वहीं कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार वार्ता की। भारत और ईरान ने मध्य एशिया सहित क्षेत्र के लिए एक ट्रांजिट हब के रूप में चाबहार बंदर कहा के विकास पर अपने सहयोग को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधि प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन पहलुओं को संबोधित करने के लिए जल्द ही मिलेंगे। वहीं दोनों नेताओं ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना, अफगानिस्तान और यूक्रेन सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया। उन्होंने नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। वहीं बता दें कि भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर अब्दुल्लाहीन हैं, और पिछले साल पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।